हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। यहाँ पर हम प्रतियोगिता घटनाचक्र के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर जनवरी 2021 की घटनाचक्र है, जिसमें आपको यहाँ पर 2020 का संपूर्ण करंट अफेयर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो उसी सीरीज में ये हमारा सेकंड पार्ट है और इसमें हम देख रहे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो आइए दोस्तों, हम इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। ये आपके MPPSC और व्यापम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित यहाँ पर होंगे। तो इसी सीरीज में हमारा ये जो 11वां जो प्रश्न है, इसमें है नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020 किसने जारी की है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा एम वेंकैया नायडू, तो जो कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने जो अटल रैंकिंग जारी की है, तो यहाँ पर दो श्रेणियों में इसे जारी किया है। एक तो एक श्रेणी की बात करते हैं, तो ये है सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थान और दूसरी है निजी व स्वामित्व पोषित संस्थान। अब सार्वजनिक पोषित संस्थान में भी जो भारत के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसमें तीन शामिल है, एक है मद्रास और एक बॉम्बे और एक दिल्ली। तो ये तीनों आप याद रखोगे और साथ में आप ये भी ध्यान रखोगे कि जो निजी या स्वामित्व पोषित संस्थान है, इसमें भी आपको तीन याद रखना है, यानी इसमें भी तीन को अटल रैंकिंग दी गई है। तो इसमें जो पहला है तो वो है यहाँ पर कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिक संस्थान, और उसके बाद में जो कि उड़ीसा में है, और SRM विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि तमिलनाडु में है, और जो हमारा तीसरा है वो है वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि तमिलनाडु में है। दोस्तों, ये नवाचार उपलब्धियाँ इसलिए दी जाती है ताकि जो भी संस्थान है वो अपने यहाँ अनुसंधान करें, नए नए शोध करें, और उनको यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए ये रैंकिंग यहाँ पर दी जाती है। तो दोस्तों, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन कम्प्लीट होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विप्रो के संस्थापक कौन है जो वर्ष 2020 के सबसे दानवीर भारतीय बने हैं। तो इनका जो नाम है वो है दोस्तों यहाँ पर अजीम प्रेम जी। देखिए, इन्होंने क्या करा है कि जो एक दिन में 22 करोड़ रुपए और साल भर में 7,904 करोड़ रुपए दान करने वाले अजीम प्रेम जी यह 2020 वित्तीय वर्ष है। तो इसके सबसे ज़्यादा दानवीर भारतीय बन चुके हैं। और इससे पहले की बात करते हैं दोस्तों कि जो पिछले साल 2019 में कौन थे, तो ये जो ACL टेक्नोलॉजी है, इनके सीयू नडार थे। तो ये यहाँ पर इनसे पहले थे, तो अब ये इन्हें पछाड़कर यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन इन्होंने हासिल कर लिया है। दोस्तों, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखिए, MPPSC में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विप्रो के संस्थापक कौन है, है ना, नई नई कंपनियों के संस्थापक कौन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से की है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको राइट आंसर ही बता रहा हूँ, साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, तो वो है गुजरात के केवड़िया ग्राम में। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, जो सी प्लेन सेवा है, तो इसकी यहाँ पर शुरुआत की है। अब जो ये सी प्लेन सेवा है, ये क्या है, जो ये प्लेन है ये जमीन के अलावा पानी पर भी उड़ान भर सकता है, पानी पर भी उड़ान भी भर सकता है, उसके साथ में इसकी जो लैंडिंग होती है तो वो जमीन पे भी हो सकती है और पानी पे भी हो सकती है। तो ये इसकी यहाँ पर खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 2 जुलाई 2020 को देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेस के अंतर्गत हुई है, ये कहाँ स्थित है। तो इसका ये जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा, ये है दिल्ली। तो ये दिल्ली में स्थित है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर बात आती है प्लाज्मा, यानी ये देश का पहला प्लाज्मा बैंक की यहाँ पर स्थापना की जा रही है। अब दोस्तों, यदि हम प्लाज्मा की बात करते हैं, तो जो प्लाज्मा होता है, जो ये प्लाज्मा रक्त का तरल और पारदर्शी हिस्सा होता है, और यहाँ पूरे शरीर में रक्त के अवयवों को पहुँचाने का कार्य यहाँ पर करता है। और एक और फैक्ट है कि जो रक्त होता है उसका जो 55% हिस्सा होता है वो प्लाज्मा ही होता है। तो ये आप इम्पोर्टेंट फैक्ट आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि अभी हाल ही में भारत PPE किट व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का कौन सा बड़ा उत्पादक बन गया है। जो PPE किट, तो ये क्या है, ये कोरोना काल में यहाँ पर भारत ने भी यहाँ पर बनाई थी। तो ये अभी जो भारत है, तो ये यहाँ पर अभी दूसरे स्थान पर है। और दोस्तों, हम पहले स्थान की यदि बात करते हैं, तो पहले स्थान पर कौन है, तो वो पहले स्थान पर चीन है। तो ये आप ध्यान रखोगे, पहले स्थान पर चीन है। इसी प्रकार दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर भी हम इम्पोर्टेंट यहाँ पर 10 फैक्ट यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए, जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस स्वास्थ्य मिशन के आरंभ की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यहाँ पर आरंभ करने की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है। अब इससे क्या होगा, जो प्रत्येक भारतीय है उनको यहाँ पर स्वास्थ्य पहचान पत्र दिया जाएगा। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी हाल ही में किस राज्य ने अपना प्रतीक चिन्ह यहाँ पर जारी किया है। तो इसका जो राइट आंसर वो है दोस्तों यहाँ पर झारखंड। अब झारखंड ने यहाँ पर अपना जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यहाँ पर जारी किया है। तो इसके बारे में दो तीन फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पहला तो ये कि ये इस चिन्ह में हरे रंग की वृत्ताकार परिधि होगी जिसमें हाथी और जो झारखंड का लोक जीवन एवं संगीत संस्कृति है वो उसके साथ में यहाँ पर एक पलाश का फूल और केंद्र में अशोक स्तंभ चित्रित है। और जो सबसे नीचे लिखा होगा यानी जैसे कि इस प्रकार का इनका जो प्रतीक चिन्ह है तो सबसे नीचे यहाँ पर लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो इतना बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा कि जनवरी में केंद्र सरकार असम सरकार और बोडो प्रतिनिधियों के मध्य तीसरा और स्थायी बोडो समझौता कहाँ संपन्न हुआ है। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो है यहाँ पर दिल्ली में। अब दोस्तों हम थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये किसकी अध्यक्षता में हुआ है। तो ये जो हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह है तो इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर दिल्ली में तीसरा और स्थायी बोडो समझौता हुआ है। अब ये किस लिए हुआ है तो इसका उद्देश्य या फिर इसका क्या कारण है कि ये आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर क्या है जो 1500 सशस्त्र बोडो उग्रवादी है उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में वापस लौट गए हैं यानी उन्होंने अहिंसा का पद यहाँ पर अपना लिया है। इसी कारण यहाँ पर ये समझौता हुआ है। दोस्तों इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अभी हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में तीन राजधानियां बनाने हेतु विधेयक 2020 पारित किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये है हमारा यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश अभी पहला ऐसा राज्य यहाँ पर बन गया है जिन्होंने अपने राज्य में यहाँ पर तीन राजधानियां यहाँ पर घोषित की है। तो उन तीन राजधानियों के भी मैं नाम आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि देखिए जैसे कि इन्होंने एक विशाखापट्टनम है तो विशाखापट्टनम को यहाँ पर कार्यकारी राजधानी बनाया है और साथ में अमरावती जो है तो अमरावती को यहाँ पर विधायी राजधानी बनाया है और एक कुर्नूल है तो कुर्नूल को इन्होंने न्यायिक राजधानी यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर तीनों राजधानी आपको ध्यान रखना है और इनसे संबंधित भी प्रश्न बन सकते हैं कि विशाखापट्टनम को कौन सी राजधानी यहाँ पर बनाया गया है और ये आंध्र प्रदेश ऐसा करने वाला यहाँ पर पहला राज्य है। दोस्तों हमारा जो लास्ट क्वेश्चन ये है कि आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने किसे कार्यकारी राजधानी बनाने हेतु विधेयक को मंजूरी दी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अभी हमने देखा विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम कहाँ है आंध्र प्रदेश में है तो इसे राजधानी बनाने के लिए यहाँ पर विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। तो दोस्तों ये जनवरी 2020 की बात है। तो यहाँ पर क्या है हम इम्पोर्टेंट 2020 के ही करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं जो 2020 में घटित हुई है तो वो यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों आप चाहे तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं वहाँ पर हम मेंस के नोट्स भी शेयर कर रहे हैं और अभी आने वाले समय में मेंस आंसर राइटिंग भी हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों फिर इसी प्रकार हमारी सारी सीरीज चलती जाएगी। आप चाहे तो महत्वपूर्ण सीरीज प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ।